तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो आज मैं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो है वो सब्लिमेशन जो डिज़ाइंस है वो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा आज हम सब्लिमेशन जो डिज़ाइन है वो क्लॉक का या फिर आपका फ़ोटो फ्रेम का हो गया, वो कौन सा आज हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी किसी और की वीडियो, मतलब कि किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले न्यू टैब ले लेते हैं। इसमें हम सब्लिमेशन फ्रेम निकाल लेते हैं, फ्रेम डिजाइन इमेजेस आ जाएगी आपको सामने जैसा कि आ गई। अब देखो तो काफी सारी आपको एनिवर्सरी का दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको काफी सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं। तो आप ये कस्टमाइज कैसे तैयार कर सकते हो वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने माइंड में एक डिजाइन तैयार करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे आपको बनाना है। चाहे आपको कस्टमाइज आप किसी का नाम लेके बनाना है तो आप यहाँ पे किसी का नाम लेके बना सकते हो, या फिर अलग से कोई डिज़ाइन देख सकते हो। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे अपना नाम कोई भी डाल सकते हो, ठीक है ना। ये स्वीट मेमोरीज की जगह कोई अपना हैप्पी बर्थडे डाल सकते हो, एनिवर्सरी डाल सकते हो, उसके लिए एक डिज़ाइन तैयार हो सकता है, ठीक है ना। वो आपके माइंड के ऊपर थिंकिंग होगा कि आप किस तरह आप सोचते हो तो आप किस तरह के आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं एक कोई सा भी एक डिज़ाइन ले लेता हूँ जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो। जैसे कि ये ले लेते हैं, तो एक हम ये बना के दिखा देते हैं, क्योंकि एक गोल वाला है तो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं अपना कोरल ड्रॉ चालू कर लूँगा। तो जैसा कि हमारा कोरल ड्रॉ ओपन हो गया है, तो हम कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, एक अपना न्यू पेज ओपन करेंगे। तो उसमें हम वो जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वो आज हम इसमें पेस्ट करेंगे और वो हम आपको बना के दिखाएंगे। सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। जैसे कि ये चीज़ है हमारा। अब इसमें हम पहले तो आपको क्या करना है, जिस साइज़ में आपको बनाना है तो वही शीट आपको लेनी पड़ेगी, चाहे आपकी मशीन जो आपका कट करती है या मशीन का जो साइज़ है आपको। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 300 बाय 200 की है, छोटा साइज़ है, A4 साइज़ है, किसी के पास बड़ा साइज़ है, तो किसी के पास फिट में साइज़ है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। वो अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से डिज़ाइन पेज जो ले सकते हैं आप। जैसे कि मैं बड़ा ले सकता हूँ इंचज में, तो मैं ये ले लेता हूँ 12 बाय 10 का, जिससे कि हमें इस साइड कि जो ये हमारा पेज साइज है उसके अंदर अंदर हम एक अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमने जैसे कि ये हमने एक फाइल ले ली है, अब फाइल ले ली है, इसको हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल बनाया है आपने इसका डिस्टेंस देना है कि साइज़ देना है कि कितना आपको रखना है। जैसे कि हमने 10 बाय तो रखा हुआ था, तो हम इसको 11.5 कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने सेंटर में किया और ये हमने 0.5 कर दिया ताकि हमारा थोड़ा 0.5 इंचिस में हो। अब हमने क्या किया, जो ये हमारा दो ये जा रहे हैं, तो अब हम इसको भी बना सकते हैं, लेकिन हम पहले उससे पहले ये जो है रेक्टेंगल दे रखे हैं वो बना लेंगे हम। तो सबसे पहले हमने ये हमने बना लेना है 2 बाय 3 का, 2 बाय 3 साइज का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमने थोड़े से कर्व कर देना है शेप टूल से। देखो जैसे कि राउंड कर लिए कॉर्नर्स हमने इसके, जैसे कि आप देख सकते हो इसके जो पॉइंट्स हैं कॉर्नर्स हैं इसके हमने राउंड कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको 5 बना लेने हैं,
दूसरा, ठीक है, अब ये जैसे कि हम कर रहे हैं, ये हमारे, अब जैसे कि आप देखो यहाँ पे हमारा डिफरेंट गैप आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, शीट के अंदर हमारा आ नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद हम पहले एक गाइडलाइंस होती है जो हम इसको सेंटर में लेंगे, सेंटर पेज के सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर हम डबल क्लिक करते हैं रेक्टेंगल के ऊपर तो ये आउटलाइन बन जाएगी, तो ये हम देख सकते हैं। तो इसको हमने पी दबाया, सेंटर में, पेज के सेंटर में आ गया। तो कैप्स लॉक वाले में अगर हमारा कैप्स लॉक हो तो शिफ्ट दबा के पी काम करेगा, तो स्मॉल में ही चाहिए होता है। अब देखो जैसे कि हमने ये तीनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट दबा के, अब हमने ये क्या किया, इसको सेंटर में किया, इसको हमने कर लिया यहाँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, बराबर करना है, तो इसको हम दोनों को सेंटर में लगा देना है। जैसे कि आप देखो यहाँ से भी बराबर, यहाँ से भी, और यहाँ से भी आपका बराबर। अगर हम गैप की बात करें तो हमारा जो है वो बराबर आ चुका है। अब मेरे को शायद थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, देखो यहाँ पे आपका कम है, यहाँ ज़्यादा लग रहा है मेरे को हिसाब से। तो चलिए इसको हम कैसे दूर करेंगे, अब हम पहले इसको नीचे कर लेते हैं। अब सभी को सिलेक्ट करके एक बार नीचे कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद सभी को नीचे कर लिया, ये हमने, अब सभी का हमारा बराबर लग रहा है। देखो तो ये हमारा साइज नाप के देखेंगे, अगर हम डिफरेंस आता है तो हम देख लेते हैं। अब जैसे कि ये चीज़ है 0.39 का गैप है, तो इधर भी देख लेते हैं एक बार, 0.39 का गैप है। तो इसी तरह हमारे चारों में जो है 0.39 का गैप है, ठीक है। सभी को अब डिलीट मार लेंगे, जो कि हमारा साइज हो गया। अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के, तो दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे। तो जैसे कि हमने ये बराबर रखना है, शिफ्ट दबा के मैंने इनको थोड़ा सा और ऊपर ले गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि हमारा थोड़ा सा लगे। अब हम क्या करेंगे, इसको, इसको और इसको थोड़ा सा मैं तीनों को नीचे कर लूँगा, ताकि हमारी शीट पूरी यूज़ हो, क्योंकि हमारा ये जो राउंड बनेगा थोड़ा सा हम ऊपर तक रखेंगे, इसको भी मैं थोड़ा सा अब नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या किया है, इसको हमने एक जो है बना लिया है 0.2 का, और ये 1.5 का, या इसका कुछ ज़्यादा भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वेल्ड ही होना है, लेकिन आपका ये जो साइड का ले रहे हो तो वो बराबर होने चाहिए। अब देखो, अब इन दोनों को हमने ग्रुप कर लिया, कंट्रोल प्लस जी से भी ग्रुप होता है, और आपका यहाँ से भी आपका ग्रुप होएगा, दोनों को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो, ठीक है। अब देखो ये चीज़ है हमारा मिड पॉइंट में आ गया, जैसे कि ये चीज़ है, अगर हमने यहाँ ऐसे रखा है तो हम इसको सी दबाएंगे तो सेंटर में आ जाएगा वो चीज़ ऑटो में, ठीक है। इसी तरह से हम सभी का कर लेंगे, इसको हमने सेंटर में कर लेना है, तो जैसा कि हमने सभी को सेंटर में कर लिया है। अब ये जो थे हमारे, तो इसको हम यहाँ पे भी रखेंगे, जैसे कि हमारा थोड़ा सा ऊपर और जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे है, और दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये दोनों को सिलेक्ट करके हमने डुप्लीकेट कर लिया और फ्लिप कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सारा ये हमने करने के बाद हम इसको हम क्या करेंगे, वेल्ड कर देंगे।
ये हमारा जैसे इस तरीके का आ गया। हम कलर करके देखेंगे एक बार, तो कुछ इस तरीके का हमारा शेप आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटलाइन निकालेंगे। आउटलाइन निकालने के बाद हमें ये ऊपर का हमें सर्कल बनाना है। पहले देखो एक चीज़, ये मेन चीज़ है, तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। और कुछ अलग तरीके से भी प्रोसेस होता है, अब वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, कंबाइन कर लेना है, जिससे कि हमारा ये इस तरीके से आएगा। लेकिन हम थोड़े नीचे कर लेंगे इनको, ठीक है। थोड़ा नीचे करने के बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, ताकि हमारा जो शीट का जो साइज़ है हमारा यहाँ से भी बराबर हो जो है। वैसे तो आपका ये चीज देख रहे हो। अब हम क्या करेंगे, ये काट देंगे। काटेंगे कैसे, एक नाइफ टूल भी होता है, उससे भी काट सकते हैं, लेकिन हम इससे हम काट देंगे इजीली, जिससे कि हमारा टाइम नहीं लगेगा। और इन दोनों को हमने वेल्ड कर देंगे, हो गया। लेकिन अब देखो एक चीज़ और देखो, जब हम ये बना रहे तो ये हमारा काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हमने थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया, ताकि हमारा ओड ना लगे, काफ़ी अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन हम इसको सेंटर में ही हैं, तो मैंने एक बार देखना था कि सेंटर में लगाया है या नहीं, जिससे कि आपको दोनों का साइड का बराबर रहे। अगर आप इसको कर्व करना चाहते हो, स्मूथ टूल पे गए, यहाँ से आपने 0.2 कर दिया, तो ये हमारा हो गया। तो हम इसको कर्व कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये हमारा राउंड हो जाएगा। अगर आप देख सकते हो तो ये हमारे कॉर्नर्स राउंड हो गए। खाली आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले सिलेक्ट करा, फिर इसको हमने जितना चाहे हम उसको राउंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हमने राउंड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और प्रोसेस करना है, जो नाम लिखने का है, ठीक है। जो हम ये नाम लिखने का क्या है, तो हैप्पी बर्थडे लिखा है, तो खाली मैं अपने हिसाब से कुछ भी, अमन लिख दो, छोड़ो हैप्पी लिख देते, पूरा आपको मैं कर बना के दिखा देते हैं। जैसे कि हमने ये हैप्पी बर्थडे लिखा, तो ये चीज़ हमारा ये हो गया। तो इस इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, एक हमने क्या किया, इसको हमने फ्री हैंड में ले लिया, ठीक है, जिससे कि हमने बड़ा कर दिया। अब देखो एक चीज़ आपको, मैंने ये अलग से इसकी वीडियो भी बना रखी है, वो भी आपको मैं, आई बटन पे क्लिक करोगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में भी उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आपको पूरा एक प्रोसेस पता लग सके कि बारीक से हमने वो बता रखा है कि कैसे इसको चिपका जाएगा। लेकिन मैं आपको इसमें वीडियो में जल्दी से बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमारा डिज़ाइन, हमारा जो हमारा मेन मोटिव क्या था कि डिज़ाइन बनाना, लेकिन ये वेल्ड की वीडियो मैंने अलग से एक बना रखी है, वो चीज़ आप देख सकते हो। अब देखो जैसे कि ये चीज़ है, तो बी हमारा छोटा है, लेकिन हमारा ये बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हमारा क्या है, आउटलाइन निकालेंगे, इसमें भी आउटलाइन निकालेंगे, तो क्या होगा हमारा, ये इसमें लाइन दिख रही है आपको, तो ये हमारे सारे अलग अलग हैं। जैसे कि आप देखना चाहें तो सारे लेटर्स आपके अलग अलग हो चुके हैं, आई अलग, आर अलग, जैसे कि देख सकते हो ये अलग। और इन सबको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, पहले सभी को आपको थोड़ा सा अंदर अंदर करना है, उसके बाद आपको अंदर करने के बाद ये जो हमारा ये है, इसमें ये अगर हम इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से ढंग से नहीं बैठ पाएगा,
ये ज़्यादा ही हमारा ओल्ड लगेगा, मतलब कि गंदा लगेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इन सभी को हम वेल्ड कर देंगे। इसी तरीके से पहले मैं इसको भी अलग कर लेता हूँ, तो दोनों को एक साथ कर लेंगे। हमारी लाइन सिलेक्ट हो गई थी, गाइड लाइन। तो अब देखो, पहले सबसे पहले मैं हैप्पी को कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बर्थडे को कर लूँगा। बहुत इजी प्रोसेस जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी प्रोसेस है। इस इजी प्रोसेस को आपको कोई बताएगा भी नहीं। अब देखो, शेप टूल पे जाएंगे। अब ये चीज़ है, आपको आप यहाँ पे भी रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक पॉइंट बना के इस पॉइंट को आपने डिलीट मार देना है, ठीक है। उस डिलीट मारने के बाद आपको क्या करना है, ये जो है हमारे पॉइंट को, इसको इस तरह का करोगे तो आपका ये लाइन सीधी होगी। अगर इस पॉइंट को आप सीधे करोगे तो आपका इस तरीके से होएगा, ठीक है। लेकिन हम दोनों को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अब देखो, एडजस्ट कैसे करेंगे, इसको एरो को हम थोड़ा सा यूँ कर सकते हैं, अगर नहीं तो यूँ ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो, ये जो चीज़ है हमारा आई के जो ऊपर एक डॉट है, तो उसको हम किस फॉर्म में, मतलब कि अलग से बनाएंगे। तो देखो, जैसे कि ये एक आई इसके साथ चिपका हुआ है, तो हम अलग सा बनाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट, उसमें हार्ट लगा देंगे। ये लगाने को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं कुछ अलग, आप अलग करोगे तो आपके लिए ही बेस्ट है, क्योंकि हर कोई अलग डिज़ाइन निकालेगा जिससे कि आपको मार्केट में आप कोई बेच सको, आप कह सको कि ये प्रोडक्ट आप ही बेच रहे हो, कोई डिज़ाइन ये और बेच ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये चीज़ है, अब हमने इन दोनों को वेल्ड कर दिया। वेल्ड करने के बाद देखो, ये चीज़ है हमारा पेस्ट हो गया। तो आई पॉलीगन पे बेसिक शेप्स में आपको मिल जाएगा, बेसिक शेप्स के नीचे आपको हार्ट का मिल जाएगा, तो हार्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो आपने ये वेल्ड कर दिया, जिससे कि हमारा, अगर हम कलर करें तो ये देखो आपका आई भी थोड़ा हार्ट शेप में आ गया। अब देखो, ये चीज़ है हमारा हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो नाम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगली वीडियो में निकालूंगा कि कर्व कैसे बनाते हैं, मतलब कि जैसे कि कोई नाम को कर्व कैसे करें, ठीक है। जैसे ये टेक्स्ट है, इसको कर्व कैसे करें, राउंड शेप में कैसे करें, या इसके अंदर कैसे लिखना है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में उसकी बना दूंगा, तो आप, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। अब देखो, जैसे कि ये हमारे एक हो गया, इसको हमने सिलेक्ट किया, तो हमने ये हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इसके बाद हमें इसको भी इससे वेल्ड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से जो है ये सर्कल्स बना लेंगे, सर्कल्स भी एक एक इंच के बना लेंगे, जिससे कि हमारा तीन सर्कल आ सके या दो सर्कल आ सके। अगर हम एक इंच के भी बना रहे हैं तो काफ़ी सही बन जाएगा हम फोटो के लिए, या फिर आप यहीं पे लगा दो, ठीक है। अब देखें, अब जैसे कि हमने ये पूरा एडजस्ट कर दिया है सभी में, अब ये सभी को हमने पहले इनको वेल्ड कर दिया है, ठीक है। अब ये चीज़ हमने यहीं पे लगानी है, फिक्स करनी है, तो हमने इनको भी इसके साथ भी वेल्ड कर दिया है, जिससे कि आपको देख सकते हो ये हमारा वाई सभी से जुड़ चुका है। अगर हम कलर करते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से आपकी एक फाइल तैयार हो गई है। अब हमारा जो हार्ट का है, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। हार्ट आप अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हो, जैसे भी आप लगा सकते हो, क्योंकि हार्ट की आपकी जो रेड कलर की फाइल है वो अलग से बनेगी, जो आप जैसे कि देख रहे हो। एक हमने
ये ले लिया है, और इसी के अंदर हमारी दूसरी फाइल हो गई, ठीक है, वो चीज़ भी हो गई। लेकिन हमने एक और प्रोसेस बताया है, वो उसकी भी वीडियो हमने डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो, जिससे कि उसमें भी हमने बहुत क्लियरली आपको बता रखा है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, थोड़ा सा मैंने इसको इधर कर दिया, मैंने ये और ये दोनों इसके साथ वेल्ड कर दिए, ठीक है। लेकिन हमारा क्या हुआ, थोड़ा सा हार्ट हम आपको चिपकाना पड़ेगा, ये हमने वेल्ड कर दिया, ठीक है, जिससे कि हमारा ये जो है रेड कलर का है और ये हमारा ब्लैक कलर का है, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो है यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो हम पहले इसको क्या करते हैं, आउटलाइन। साथ बाय साथ आप काम को अपने फिनिश करते जाओगे तो आपके लिए ही बेस्ट रहेगा। अब देखो जैसे कि चीज़ें हमने छोटा कर लिया, अब ये चीज़ हमारा ब्लैक, ठीक है, तो ये हमारा रेड हो गया, तो अब इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। दोनों को हम पहले यहाँ लगा लेंगे, सभी को हम पहले एडजस्ट कर लेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये चीज़ हमने यहाँ लगा लिया, अब यहाँ पे भी लगा लेते हैं फ्लिप करके, ठीक है। अब इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ लगा लिया, मतलब जल्दी काम करने के चक्कर में गलत मत करना, लेकिन फिनिशिंग से आपको एक ही बनानी है फाइल, बस फोटो आपको अलग अलग करनी है। वो आप अगर एक फाइल भी तैयार अच्छे से कर लेते हो तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होएगा, लेकिन आपको एक फाइल में ही आपको अगर टाइम देना है तो वो आपको प्यारी सी फाइल बनानी है, मतलब अच्छी सी, तो वो आपको टाइम लगेगा। अब देखो जैसे कि हमने ये चीज़ है, अब हम क्या करेंगे, इस सभी को पीछे वाले को सभी को सिलेक्ट कर लेंगे एक क्लिक से ही, और इसको हमने वेल्ड कर लिया, ठीक है। अब कलर करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी फाइल बन गई। अगर हम फोटो ले लेते हैं, फोटो का कैसे बनेगा, अब देखो हमने ये लिया था, हमने ढाई कुछ का, ढाई बाय दो बाय तीन का, ठीक है, दो बाय तीन का लिया था, तो हम इसको हम क्या कर देते हैं, दो बाय तीन की जगह हम डेढ़ बाय ढाई कर देते हैं, जिससे कि हमारा बराबर होगा, ठीक है। फोटो को हमने राउंड लेना है, राउंड ले सकते हो, अगर हम दो तो 0.2 इंचेस का गैप देना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको 1.8 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 2.8, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फोटो को आपने कितना राउंड देना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, कितना आपको राउंड देना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अब जैसे कि ये चीज जैसे कि हमने ये कर लिया है, अब हमने क्या किया, इसको एडजस्ट कर लेना है, मतलब ये तो फोटो है, आपको एडजस्ट करके ही अटैच करनी है। काफ़ी बंदे क्या होते हैं, ये फ़ोटो का भी एक इस तरीके से आप कंबाइन कर लेते हो तो वो अलग सा ही एक आपको देखने को मिलता है। जैसा कि देख सकते हो ये फ़ोटो है हमारी, तो फोटो के लिए हम येलो कलर कर लेते हैं, आप देख सकते हो जैसे कि ये हमने 1.5 का लिया था, वन का लिया था, तो 0.8 का मैं ये ले लेता हूँ, 0.8, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। जैसे कि हमने ये वाली भी ले ली, ठीक है। अब जैसे कि सभी को हमने फोटोज को मान के लिए सिलेक्ट कर लिया हमने और येलो कलर कर दिया, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आने वाला है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा आपको,
फाइल आपकी इस तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने भी नहीं किया है। अगर आप बात कर रहे हो तो ये फ़ोटो को हम कैसे अंदर प्रिंट करते हैं, तो वो मैंने मेथड आपको एक वीडियो में उसके लिए अलग बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत टाइम नहीं लगता उसमें, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसका भी मैंने एक सिंपल सा वीडियो बनाया है जो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, वो छोटी है, लास्ट में आप देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का उसका लिंक दे दूंगा मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए किसी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके एक हम नया वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।